देखिए, अगर यहाँ बैठकर आप अपने लैपी पर काम करेंगे और सामने आपको इस तरह का व्यू मिलेगा तो काम करने की आपकी जो एनर्जी है वो डबल हो जाएगी। हमेशा खाना खा के आपको बताती हूँ कि कैसा टेस्ट है। आज मुझे दूसरे लोगों के फेस एक्सप्रेशन और उनकी प्लेट्स में जब खाना सर्व हो रहा था वो देखकर मुझे पता चल गया कि कितना डिलीशियस है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं देहरादून रायपुर रोड पर और आज आपको लेकर जाने वाले हैं माल देवता की तरफ, क्योंकि बहुत प्यारी जगह है और हमने पहले भी एक दो शूट्स वहाँ पर किए हैं। ग्रीनरी बहुत है और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ जो रिजॉर्ट्स बने हुए हैं वो बिल्कुल नदी के किनारे हैं। तो नदी किनारे आप लोगों को हमेशा चाहिए ही होता है ऐसा ऑप्शन, और ये ऑप्शन रहने के साथ साथ यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरह की जगह है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। तो हम देहरादून रायपुर की तरफ से आए हैं और हमें अब सीधा जाना है। ये दिखा रहा है हमें धनौल्टी, मसूरी, सहस्त्रधारा। अगर हमें जाना है तो हम इसी रोड पे स्ट्रेट जाते हैं और मालदेवता के लिए भी यही रोड है। और अगर हम ऋषिकेश एयरपोर्ट की तरफ से आते हैं तो हम यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड से एक रास्ता आ रहा है और यहाँ पर आप इसे लैंडमार्क की तरह, ये जो महाराणा प्रताप की मूर्ति दिख रही है आपको, इसको आप एज अ लैंडमार्क ले सकते हैं। तो यहीं से आप टर्न होके फिर सीधा जाएंगे। अगर एग्जैक्ट किलोमीटर की बात करें हम तो देखिए मैप दिखा रहा है 7.2 किलोमीटर। तो चलिए 7.2 किलोमीटर हमें इसी रोड पर चलना है और यहीं से ग्रीनरी शुरू हो जाती है। यहाँ से देखिए ये टर्न जाता है मसूरी के लिए, मसूरी सहस्त्रधारा, लेकिन हमें जाना है स्ट्रेट। यहाँ से आप जा सकते हैं टिहरी, धनौल्टी, चंबा, कद्दू खाल, ये सारे रास्ते इसी रूट से जाते हैं। देखिए देहरादून में भी हमें इस तरह का, आप जैसे सामने देख रहे हैं दो पहाड़ हैं और बिल्कुल बीच में ऐसा लग रहा है वैली। हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि देहरादून के इतनी पास इस तरह की कोई जगह होगी, लेकिन जिस तरह से पूरा आप नज़ारा देखिए, खेत है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं बड़े प्यारे प्यारे, और बीच में से नदी जा रही है और दोनों तरफ पहाड़ हैं। देखिए कितने सुंदर खेत हैं यहाँ पे, पूरा मतलब इतना अच्छा लग रहा है ये देख के। और लेकिन बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा है कि हम जस्ट 7 किलोमीटर देहरादून से हम आगे आए हैं। हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत पास आ गए हैं और जैसे ही आप ये लाल पुल क्रॉस करते हैं, यहाँ से जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं जो राइट हैंड साइड पर जाता है, ये रास्ता सीधा धनौल्टी जाता है सुरकंडा देवी। अगर आपको माँ सुरकंडा देवी के दर्शन करने जाना है तो रास्ता आप ये वाला भी चूज़ कर सकते हैं। हालांकि आप ऋषिकेश की तरफ से नरेंद्र नगर होते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये इस रास्ते पर जाएंगे, थोड़ा सा नैरो ज़रूर है लेकिन इतना ब्यूटीफुल है। जो लोग हमारे वीडियो शुरू से देख रहे हैं उन्होंने वो रास्ता ऑफकोर्स हमारी वीडियोज़ में देखा होगा, क्योंकि हमने पहले पूरा शूट करके दिखाया है। बहुत अल्टीमेट जगह है और ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिलता है तो धीरे धीरे आप जा सकते हैं। तो चलिए हम जा रहे हैं ऑपोजिट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर और यहीं पर हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। और ये हम आ गए हैं ग्रैनीज डेन रिजॉर्ट। सबसे पहले हम पार्किंग से शुरू करते हैं, काफी बड़ा एरिया है पार्किंग का। और आज जो रिजॉर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये रिज़ॉर्ट तो लग्जरी है लेकिन लग्जरी रिज़ॉर्ट में अगर आप बजट में अपने बजट के हिसाब से कस्टमाइज वेडिंग कर पाएँ तो कितनी अच्छी बात होगी। यही ऑप्शन आज हम दिखाने के लिए आपको आए हैं। और जिस तरह से पूरी ग्रीनरी के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू यहाँ पर है, नदी आपको साथ में मिलती है, किस तरह से ये वेडिंग्स यहाँ पर अरेंज करते हैं वो हम आपको बताते हैं। Beautiful reception. पूरे रिजॉर्ट में ही इस तरह से आपको जगह जगह पर फ्लावर्स और ये इस तरह से ग्रीनरी दिखती है। अलग अलग सिट आउट्स आपको बहुत सारे मिलते हैं
तो इससे एक अलग ही एम्बियंस बन जाता है। और यहाँ पर इन्होंने देखिए स्विमिंग पूल दिया है। हर रूम के साथ आपको डिफरेंट सिट आउट्स, गार्डन्स इस तरह से मिल जाते हैं और बहुत प्यारा व्यू आपको यहाँ से मिलता है। रिजॉर्ट को अगर आप ध्यान से इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो जगह जगह आपको इस तरह के रॉ ये रॉक्स मिलेंगे जिनको एज इट इज़ छोड़ दिया गया है। इससे अपने आप में एक नेचुरल ब्यूटी आपको यहाँ पर दिखेगी। और यहाँ पर इतने सारे बर्ड्स और बटरफ्लाइज आपको दिखते हैं। स्पेशली यहाँ पर लोग आते हैं बर्ड वॉचिंग के लिए, क्योंकि मालदेवता वैसे भी बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत फेमस है। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर बर्ड्स आती हैं, और क्योंकि नदी जो यहाँ से जा रही है उसमें फिशेस भी होती हैं, तो किंगफिशर कई बार यहाँ आकर उसमें से सुबह सुबह मछलियाँ लेकर भी जाते हैं। पूरी ही पूरा रिजॉर्ट इस तरह से स्टेप्स में बना हुआ है। इस तरह के रिजॉर्ट्स हमने पहले भी आपको दिखाए हैं, और फ़ायदा ये होता है स्टेप्स में बने होने से आपको प्राइवेसी मिल जाती है। बहुत ज़्यादा एक साथ भीड़ भाड़ नहीं लगती है, फैमिलीज़ अलग अलग आराम से बैठकर एंजॉय कर सकती हैं। और हर जगह पर आपको, क्योंकि इस तरह से जो ब्यूटीफाई किया हुआ है इन्होंने पेड़ लगाकर, फ्लावर्स लगाकर, अब देखिए मुझे तो मतलब ये लगता है कि यहाँ पर इस तरह की डेकोरेशन लोग जनरली कराते हैं और ये नेचुरल डेकोरेशन है। तो अगर हम वेडिंग की बात करें, वेडिंग डेकोरेशन के लिए वेडिंग में जो फंक्शंस होते हैं, लगभग 3 या 4 फंक्शंस हर वेडिंग में होते हैं, जिसमें मेहंदी होती है, हल्दी होती है एंड रिंग सेरेमनी और जो मेन वेडिंग फंक्शन होता है, तो इनके पास अलग अलग जगह है। जिस तरह से ये पूरा एक अलग ही आपको वेन्यू मिल जाता है, इसकी डेकोरेशन करके यहाँ पर कॉकटेल भी आप कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर इस तरह के फंक्शंस इन्होंने काफ़ी कर लिए हैं, तो अब मुझे थोड़ा सा, मैं आपको इसीलिए बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप कॉकटेल कर सकते हैं, बैंड बाजा बारात आप यहाँ पर कर सकते हैं, घोड़ी भी यहाँ अंदर आ जाती है, तो ये सारे अरेंजमेंट्स यहाँ पर आप कर सकते हैं। और एरिया की कमी नहीं है। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आप नदी के पास तक जा सकते हैं, एक्सेस यहाँ से है। यहाँ डेकोरेशन का खर्चा आपका बहुत कम होने वाला है, क्योंकि यहाँ डेकोरेशन की इतनी ज़्यादा खास ज़रूरत ही नहीं है। एक और लॉन हमें यहाँ अलग से मिल जाता है, बहुत जगह है यहाँ पे। तो देखिए, बस हम रिजॉर्ट से निकल के बाहर आ गए हैं नदी के पास। पूरा जो म्यूज़िक है पानी का, बहुत अच्छा लगता है। और हर कोई चाहता है कि हम ऐसे रिजॉर्ट में रहें। इस तरह का रिजॉर्ट नदी किनारे, मतलब गंगा, वहाँ ऋषिकेश में तो आपको गंगा जी के किनारे जितने भी ऐसे रिजॉर्ट्स मिलते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि वहाँ पर शादी करना, हमने जैसे पीछे भी दिखाया था जो एक दो रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पर, बजट आपका मिनिमम 30 लाख से लेकर आप करोड़ तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप 100 पैक्स की गैदरिंग करते हैं, क्योंकि कैपेसिटी उतनी ही है, मैक्सिमम आप 80-100 लोगों की ही गैदरिंग कर सकते हैं, गैदरिंग बहुत लेविश कर सकते हैं, लेकिन आपके बजट में 8-10 लाख में यहाँ पर इन्होंने शादियाँ की हुई हैं, उस बजट को आप बढ़ा सकते हैं, इट्स अप टू यू। क्योंकि डेकोरेशन आप उस हिसाब से कराते हैं तो आपका खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है कि आप अपना डेकोर भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप रूम और एमिनिटीज़ अगर आप देखते हैं, तो आप कंपेयर अगर करें ऋषिकेश के जो रिजॉर्ट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस हैं। और अभी हम आपको इनका, क्योंकि आप आई बटन पर क्लिक करके इसका हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैं वो वाले रूम्स नहीं दिखाने वाली हूँ जो मैं उसमें दिखा चुकी हूँ। इनका एक नया 5-बेडरूम विला है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर पूल पार्टीज भी कर सकते हैं आप, बर्थडे सेलिब्रेशंस, किटी पार्टीज। तो चलिए हम आपको 5-बेडरूम विला दिखाते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 5 ही रूम लेने हैं, आप इसको अलग अलग 3-बेडरूम और 2-बेडरूम में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर 5 की ज़रूरत है, 5 फैमिलीज़ हैं, तो 5ों ले सकते हैं, अदरवाइज 2 और 3 में भी आप इसको ले सकते हैं। वाओ देखिए, ये भी एक वाओ है, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट लुक है। मैं फर्स्ट जैसे ही मैं अंदर आई, तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कि कहीं अभी
काम चल रहा है, कुछ बचा हुआ है, बट नहीं, जब मैंने ओवरऑल देखा तो पूरा ही इंटीरियर आप अगर देखेंगे बहुत ही ये रॉ लुक दिया गया है, रस्टिक लुक। और यहाँ पर इंटीरियर पूरा फर्नीचर उसके साथ मैच किया गया है। आप अगर डोर्स देखेंगे बहुत ही डिफरेंट, ये ज़िगज़ैग इस तरह से डोर्स हैं, जिस तरह पहले सूती कपड़ा एक मजबूरी गरीबों का पहनावा हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में वो बहुत महंगा और थोड़ा हाई क्लास में पहना जाता है क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव हो गया है। सेम चीज़ अगर हम देखेंगे, हम वापस उस तरफ जाते जा रहे हैं क्योंकि हमें इन चीज़ों में अब लग्जरी मिलती है। देखिए ये इस तरह का रस्टिक लुक और पूरा वुडन बहुत ही रफ लुक में बनाया गया है, ये पूरा अब लग्जरी हो गया है और एक्चुअली हमें ये अच्छा लग रहा है। फुल ऑफ एमिनिटीज, आपको हर चीज में एक क्लास मिलती है और हर रूम से आपको जो, बिकॉज यहाँ पर ये रिवर साथ में है तो यहाँ से आपको हर रूम से व्यू मिलता है। देखिए मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे मिरर होगा लेकिन बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर मिरर लगाया हुआ है, अच्छा लग रहा है। एक मिरर बाहर भी है। इस रूम का जो वॉशरूम है वो रूम के बाहर दिया हुआ है। जैसे हमें रूम में सनरूफ मिल गई, वॉशरूम में भी हमें सनरूफ मिल रही है और ये शायद इसलिए दिया है, एक वॉशरूम बाहर है ताकि लिविंग रूम के साथ भी इसको यूज़ किया जा सके। बाकी जो दो रूम्स हैं इनमें अटैच वॉशरूम्स हैं। हर रूम का इंटीरियर बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए जब लिविंग रूम में हमें बिल्कुल अलग मिला और यहाँ पर भी आपको एक वॉल तो प्लेन है लेकिन ये दो वॉल हमें बिल्कुल वही रफ लुक में मिल गई हैं और उसी को मैच करते हुए इन्होंने ये पूरा इस तरह से बनाया है टेबल। तो देखिए अगर यहाँ बैठकर आप अपने लैपी पर काम करेंगे और सामने आपको इस तरह का व्यू मिलेगा तो काम करने की आपकी जो एनर्जी है वो डबल हो जाएगी। और अगर पूरा व्यू लेना चाहते हैं तो आप रूम से बाहर आइए। इस तरह से ये दो रूम्स हैं जिनके ये कॉमन बालकनी है, यहाँ पर आप बैठकर आराम से चाय पीजिए। तो हम यहीं से बालकनी से ही दूसरे रूम में एंटर कर जाते हैं। यहाँ पर भी आपको एक वर्क डेस्क मिल रहा है। इस रूम का इंटीरियर भी वही है जिस तरह से हमने वो देखा, लेकिन काफ़ी अच्छा लुक दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर आप अपना छोटा मोटा कुछ कुक कर सकते हैं, वार्म कर सकते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर ये इंडक्शन रखने वाले हैं। और साथ में ये हमने 3 बेडरूम आपको दिखाया है विद लिविंग रूम। अब हम नीचे जाएंगे और इसी का जो सेकंड पार्ट हम उसे कह सकते हैं, जो 2 बेडरूम है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और बहुत अच्छी बात ये है इस रिज़ॉर्ट की कि ये पेट फ्रेंडली रिज़ॉर्ट है। तो हम नीचे आ गए हैं और यहाँ पर जो 2 रूम्स हैं ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एंट्रेंस यहीं से है क्योंकि सामने भी पूरा ये बालकनी बनी हुई है। अगर आप 2 रूम लेना चाहते हैं, 2 फैमिलीज हैं तो उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन है ये। यहाँ पर आपको इस तरह का ये पत्थर वाला लुक मिल गया। और अंदर भी देखिए वॉशरूम में ये तो पूरा पहाड़ मिल गया है, पूरी रॉक है ये। आपको ऐसा लगेगा कि आप पहाड़ों में बीच में बैठकर जैसे वाटरफॉल एंजॉय करते हैं ना, वो यहाँ पर आप शावर लेते हुए एंजॉय कर सकते हैं। दोनों रूम्स एग्जैक्टली सेम हैं पर इस रूम में हमें रूम के अंदर भी देखिए यहाँ पर ये छोटा सा रॉक मिल गया है। जिस तरह से अगर आप देखेंगे इनकी जो सीलिंग है वो भी रफ लुक में दी हुई है। हर रूम का आपको जो फ्लोर है वो भी डिफरेंट टाइल्स, बड़े अच्छे से डिज़ाइंस दी गई हैं। इसका भी आप वॉशरूम देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा सेम है, बस पहाड़ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है लेकिन अच्छा लुक दिया है। किसी को मन करे तो यहाँ पहाड़ पे बैठकर मेडिटेशन भी कर सकते हो। चलिए अब टैरिफ की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आप इंडिविजुअल रूम्स की कॉस्ट की बात करें तो 8,000 से लेकर 13,000 तक की कॉस्ट के रूम्स हैं यहाँ पर। लेकिन जब ये क्लब हो जाते हैं, जिस तरह से ये पूरा 5 रूम का विला है तो अगर 5 फैमिलीज मिलकर लेती है तो ये 50-55 हज़ार रुपये के बीच में आपको मिल जाता है। बाकी डिस्काउंट तो आप ले ही लेंगे।
अब हम आपको दिखाने वाले हैं इनका रेस्टोरेंट, बिकॉज हर जगह का आप इंटीरियर देखेंगे आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। इसी तरह से यहाँ पर भी रेस्टोरेंट में भी आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें दिख जाएंगी। खटके खटके और खाट पे खटोला। देखिए पहले ये बड़े बड़ी चारपाई, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर सीधा कॉल्ड खाट पे खटोला। और रेस्टोरेंट में देखिए ये एक बहुत अच्छी यूनिक चीज़ मिल गई मुझे कि रेस्टोरेंट में प्रोजेक्टर मिला है। जनरली ये हॉल में होता है और सामने ही इसके बिल्कुल स्क्रीन दी गई है, तो खाना खाते खाते आप यहाँ पर अपनी मूवी या कोई भी इस तरह की अगर छोटी मोटी कोई आपकी मीटिंग है तो आप उसको यहीं पर कर सकते हैं। आज खाना देख के तो मुंह में पानी आने वाला है आपके भी, और मेरे तो आ ही रहा है क्योंकि आज मेरा फास्ट है और मेरे सामने इतनी डिलीशियस चीज़ें रखी हुई हैं। खाना खाने में ये देखिए पनीर लबाबदार, मुझे जिस तरह से नाम बताया गया है ना, मुझे मुंह में पानी आ गया है। नरगिस कोफ्ता और वेजिटेबल बिरयानी और तरह तरह के इन्होंने यहाँ पर नान और रोटियाँ रखी हुई है। आज सर खा के बताएंगे टेस्ट करके कि टेस्ट कैसा है। बस इसकी कमी थी यम्मी पास्ता। टिया को मिस कर रही हूँ मैं पास्ता के लिए। मैंने जो फर्स्ट बाइट लिया ये बटर नान है, तो इसके साथ जब ये पनीर लबाबदार खाया तो टेस्ट बड़ा अलग था। फिर बाद में मैंने सिर्फ इसको खाया तो सिर्फ बटर नान भी खाता तो चलता, ये ज़्यादा टेस्टी है। सब लोग बताइए खाना कैसा है प्लीज़। खाना बहुत टेस्टी है, देखने से इतना टेस्टी लग रहा है। मैं हमेशा खाना खा के आपको बताती हूँ कि कैसा टेस्ट है। आज मुझे दूसरे लोगों के फेस एक्सप्रेशन और उनकी प्लेट्स में जब खाना सर्व हो रहा था वो देखकर मुझे पता चल गया कि कितना डिलीशियस है, पर मैं ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगी, मैं दोबारा जल्दी से आके टेस्ट कर लूँगी। बाकी खाना तो पहले भी मैंने टेस्ट किया हुआ है एक बार, खाना अच्छा है यहाँ का। बाकी पीछे से भी आवाज़ आएगी खाना कैसा था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। चलिए एक अच्छा ऑप्शन हमने आपको दिखाया है यहाँ पर रहने के लिए, घूमने के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, कोई और गैदरिंग करना हो तो उसके लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलेगा। जिस तरह से फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलने वाली है। कॉन्टैक्ट आप हमें कर सकते हैं, बाकी आप डायरेक्ट हम इनके नंबर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप इनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बुकिंग्स के लिए। हमें अगर आप बुक करेंगे तो उसके लिए हम आपको एक स्पेशल कूपन कोड देंगे जिससे आपको स्पेशल OTA का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। इसी तरह से हम ऑप्शंस देते रहेंगे। ट्रैवल करते रहिए OTA एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे हर हर गंगे।